पार्किंसंस डिजीज में हम कौन सा इलाज करेंगे, कौन सी दवा देंगे, लेकिन दिखा और इंडियन अपना जो रिसर्च मेडिसिन है कौन सा दवा देंगे कि पार्किंसंस का रोगी कंट्रोल होगा निश्चित रूप से 100%। तो मेडिसिन देखिए पूरा इसका डिटेल हमने लिखवाएंगे, समझा दिया आपको नहीं। और नोट्स है, नोट्स का ग्रुप में भेज देंगे, किस करके नोट कर लीजिएगा ठीक है। उसका ट्रीटमेंट नोट तो हम शॉर्ट बनाते हैं कि हम समझाएं आपको, लेकिन आप ही समझ लीजिएगा शॉर्टकट नोट से। ट्रीटमेंट लिखिए इसका, नर्वस सिस्टम पर डोपामाइन हार्मोन, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो नहीं बना पाते हैं डोपामाइन, नहीं तो मोटर नर्व का सक्रिय होता है, डोपामाइन हार्मोन है इसको बूस्टअप करना है। डोपामाइन हार्मोन को बूस्टअप करने के लिए जो ब्रेन पर दवा जो दवाई इफेक्टिव है होती की उसको देखिए, इसलिए हार्मोन बनना कम हो जाता है, सेल डैमेज होता है ब्रेन का, तो ब्रेन का न्यूरॉन्स डैमेज होगा तो डोपामाइन हार्मोन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो मोटर नर्व फेल करेगा, नहीं मूवमेंट उसका गड़बड़ होगा। इसको बूस्टअप करने के लिए हम दवा देंगे रेटो पेटी का, सबसे पहले देंगे A1 S1 C1 F1 W। अब बताइए डिफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन हार्मोन, डिफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन हार्मोन पार्किंसंस डिजीज नहीं इन प्रोड्यूसेस, पार्किंसंस डिजीज प्रोड्यूस होता है डिफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन हार्मोन। इसकी डिफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए डोज क्या होगा, स्ट्रांग डोज देंगे कि लाइटर डोज देंगे, स्ट्रांग डोज देंगे क्योंकि हार्मोन की डिफिशिएंसी है, हार्मोन का लेवल बढ़ाना है, ब्रेन के सेल को ताकत पहुंचाएंगे, ब्रेन के न्यूरॉन्स जब एक्टिव होंगे तो डोपामाइन हार्मोन बनेगा, बनेगा तो पेशेंट को सुधार होगा, इसलिए इसको देंगे स्ट्रांग डोज। नंबर दो में आपकी इंटरमीडिएट है 4 नंबर और 6 नंबर न्यूरोटॉनिक है, ये 4 नंबर प्लस 6 नंबर है ना,